हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे टिंकर तेज चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जियो के वर्क फ्रॉम होम वाले पैक जो हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपने वीडियो सर्च किया होगा, बहुत सारे आपको वीडियो मिले होंगे, तो जो वीडियो हैं वहाँ पर मेरे वीडियो सबसे ऊपर रहते हैं। तो जो वो वीडियो हैं वो पुराने वर्क फ्रॉम होम हैं, जैसे कि जब वो उनके प्राइस कम थे तब के प्लान थे। प्लान तो सेम वही वर्क करेगा, मगर प्राइस वहाँ पर जो है चेंज है, क्योंकि अब जो प्राइस है यहाँ पे बढ़ चुके हैं। 2022 में आपको जो भी वर्क फ्रॉम होम किया, जितने भी प्लान हैं सभी के 25% प्राइस जो है पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो अब जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इसी वर्क फ्रॉम होम के बारे में, तो उसका जो प्राइस है वो 181, 241 और 301, तीन पैक आते हैं वर्क फ्रॉम होम के। तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि कभी ना कभी इन फ्यूचर में आपको इसको रिचार्ज ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो 181 रुपये का रिचार्ज करेंगे, इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 30 GB मिलेगी। 241 रुपये का रिचार्ज करेंगे, 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, मगर 40 GB डेटा मिलेगा। 301 रुपये का करेंगे तो इसमें 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 50 GB डेटा मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा पैक के बारे में। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैक अगर मैं सिर्फ इसको ही रिचार्ज करता हूँ तो क्या मैं अकेले इसी को कर पाऊँगा, जैसे कि कोई भी और प्लान मेरे फ़ोन में एक्टिव नहीं है और आप और कोई प्लान लेना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, मगर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इसमें आप कॉलिंग SMS नहीं कर पाएंगे, ना तो इनकमिंग आएगा ना तो आउटगोइंग जाएगा, कोई भी इसमें SMS नहीं होगा। आप सिर्फ डेटा यूज कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई यूज करते हैं जियो का, तो उसमें भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये चलेगा। आप डेटा यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार डेटा मिलेगा, जैसे कि 30 GB अगर आपने 181 का किया तो सिर्फ 30 ही GB मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको 30 GB मिलेगा, टोटल एक महीने के लिए ये डेटा मिलेगा। तो ये प्लान इस तरह है। अब दोस्तों, अगर आपने कोई यहाँ पे एक्टिव प्लान ले रखा है, जैसे कि 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे, कोई भी बेस प्लान, ये सभी बेस प्लान होते हैं, अगर इसको आपने रिचार्ज कर रखा है, तब अगर आपका डेटा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 1.5 GB एक दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, सुबह से आपने यूज किया और दिन में ख़त्म हो गया, फिर आपको यहाँ पे बूस्टर आपको रिचार्ज चाहिए, जैसे कि इसको बूस्टर ही बोलते हैं, मगर इसकी वैलिडिटी होती है। और एक और यहाँ पे 4G डेटा वाउचर आता है, जैसे कि 121, 61, 25, 15, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये भी बूस्टर प्लान है, इसकी वैलिडिटी नहीं होती, इसकी वैलिडिटी इसी आपके बेस प्लान के साथ रहती है, मगर जो वर्क फ्रॉम होम है इसकी वैलिडिटी होती है, मगर ये भी आप उसके साथ रिचार्ज कर सकते हैं बेस प्लान के साथ। मगर ये जो अगर आप डेटा रिचार्ज करते हैं 181, 241 और 301, अगर ये आप डेटा नहीं यूज करते हैं तो 30 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, भले आपका जो बेस प्लान है 84 दिन का है, मगर इसको आपको यूज कर लेना है, ये है। बाकी जो 4G डेटा और होते हैं, 100 जो यहाँ पे मैंने अभी बताया 15, 25, 61, ये बेस प्लान के साथ रहा, इसका डेटा आप नहीं यूज करेंगे तो बेस प्लान जब तक रहेगा तब तक ये डेटा बचा रहेगा, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं उसके साथ। तो ये फ़र्क होता है यहाँ पे 4G डेटा वाउचर और वर्क फ्रॉम होम डेटा पैक में। बाकी दोनों ही बूस्टर प्लान हैं, दोनों ही रिचार्ज किए जाते हैं बेस प्लान के साथ, और वर्क फ्रॉम होम अकेले भी कर सकते हैं मगर कॉलिंग और SMS नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कॉलिंग SMS भी करना है और डेटा भी चाहिए, तो पहले बेस प्लान आपको रिचार्ज करना है, फिर वर्क फ्रॉम होम एक्स्ट्रा डेटा के लिए आप रिचार्ज कर सकते हैं। गाइस, ये था जियो का वर्क फ्रॉम होम पैक। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, किस किस अकॉर्डिंग से आप जो है इस डेटा का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, शायद ही कोई यहाँ पे आपको समझा पाए, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट भी करिए, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझसे अपडेट रहने के लिए, लाइव बात करने के लिए इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हैं, रितेशन34, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा, तो वहाँ जाके फॉलो करें, मैसेज करें, तो वहाँ पर मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।